नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। देश के अग्रणी बैंकों में से एक यूनियन बैंक के फील्ड जनरल मैनेजर अमरेंद्र कुमार ने सोमवार को दुर्गापुर आसनसोल क्षेत्रीय का शाखाओं का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ रीजनल मैनेजर गणेश तिवारी भी मौजूद रहे। सोमवार की संध्या कुल्टी शाखा का निरीक्षण करने के पश्चात वे आसनसोल एलआईसी बिल्डिंग स्थित यूनियन बैंक के शाखा पहुँचे, जहाँ उनका गर्मजोशी के साथ शाखा प्रबंधक मनोज कुमार नोनिया और बैंक अधिकारी दर्शन जी ने स्वागत किया। तत्पश्चात व्यवहारिक मुलाकात के लिए उत्तराधिकारी CMPDIL के निदेशक मानवेंद्र कुमार से मिले और उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर अपना स्नेह प्रकट किया। वहां कुछ मिनटों के व्यावसायिक वार्ता के बाद SGM श्री कुमार आसनसोल राहलैंड स्थित शाखा पहुंचे, जहां आसनसोल निवासी एक व्यक्ति को ऋण प्रक्रिया के तहत दी गई चारपहिया वाहन का चाबी सौंपा। लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट मुझे देखा यूनियन बैंक से। अब मैं बताऊं तो इससे पहले मेरा कोई भी बिजनेस पहले ना हुआ, ना कोई रिलेशन था, तो कहीं ना कहीं भाग्य से मिले हम लोग। और मैंने बहुत सारे बैंकों में अपनी फाइल लगाई थी, तो लोवेस्ट इंटरेस्ट जो मुझे मिला वो इनसे मिला। तो डेफिनेटली कस्टमर को क्या चाहिए, जितने कम में उनका काम है। मेरा रिक्वायरमेंट यहीं से फील हुआ, डेफिनेटली अब रिलेशन बना है तो लंबा जाएगा। मेरा नाम हुआ मिस्टर दलजीत सिंह। कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ सर बन। धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देश के अग्रणी बैंकों में है और जो सरकारी बैंकों के अंतर्गत हमारा बैंक आता है। और एमलगमेशन प्रोसेस जो भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था, बैंकों को आपस में मर्ज करके एक करके और उनके द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है उनमें एक विकास किया जाए ताकि जनता को बेहतर सुविधाएँ मिल सके। आज के हमारे इस दौरे का उद्देश्य जो है वो ये जानना है कि हमारे जो पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारी टोटल 18 जोनल ऑफिसेज हैं और 125 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमारा पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता जोन के अंदर हमारी टोटल 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इस क्षेत्रीय कार्यालय में जनता को हम कितनी बेहतर सुविधाएं दे पा रहे हैं और इस एमलगमेशन के बाद हमारी सभी शाखाएँ जो आपस में मर्ज हुई हैं उसमें सब एक दूसरे के कस्टमर का बराबर ख्याल रखा जा रहा है। तो हमने आज आसनसोल का और क्षेत्रीय कार्यालय दुर्गापुर का जो निरीक्षण किया उसमें हमें यह पता लगा कि हमारी दुर्गापुर क्षेत्र की 70 शाखाएँ, अब पहले एमलगमेशन के पहले यह नंबर 71 था, अभी 70 शाखाएँ हैं और क्षेत्र में एक अच्छी ग्राहक सुविधा प्रदान की जा रही है। और इस दौरे के बाद हम अपने कार्यालय ब्रांच शाखाओं के द्वारा ग्राहक को दिए जा रहे सुविधाओं से संतुष्ट हैं। सर, अभी आपने आसनसोल में कितने ब्रांच का दौरा किया? आसनसोल में यह मेरा दूसरी ब्रांच का दौरा है। पहला हम लोगों ने ई कॉर्पोरेशन बैंक जो LIC बिल्डिंग का दौरा किया और सेकेंड हमारी ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो ब्रांच है आसनसोल की, मेरी दूसरी ब्रांच है। सुबह हमने क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया था। अच्छा पूरे सर, लोन जैसे दूसरों बैंकों की जो लोन है, क्या इस बैंक पे दूसरों बैंकों से लोन की सुविधा ज़्यादा है क्या? देखिए, लोन की सुविधाएं सभी बैंक के प्रदान कर रही हैं। बैंक में क्षेत्रीय स्तर पे हमारे कई सारे कस्टमाइज प्रोडक्ट भी हैं जो क्लस्टर के माध्यम से हम ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत की जो योजना बताई गई थी, आत्मनिर्भर में हम अपने MSME कस्टमर पे ज़्यादा इसमें फोकस कर रहे हैं ताकि MSME को इस कोविड के दौरान जो होने वाली असुविधा है, एक कैश फ्लो का जो समस्या है ग्राहकों की, उनको पूरा किया जा सके। और इसमें कोविड लाइन ऑफ क्रेडिट और भारत सरकार द्वारा गारंटीड कोविड लाइन ऑफ क्रेडिट दो माध्यमों से हम अपने और प्लस जो जिन MSME खाताओं को कैश फ्लो की अगर ज़्यादा असुविधा है तो उनमें रिस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से उन सभी खाताओं को स्टैंडर्ड में रखना और हमारे ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो यह देखना और उनके कैश फ्लो को बनाए रखना हमारी प्रथम जिम्मेवारी है, क्योंकि MSME देश का एक बहुत बड़ा आर्थिक स्रोत का आधार है और MSME कस्टमर को हम इस माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, आप यूनियन बैंक के ग्राहकों को अपनी ओर से कोई संदेश देना चाहेंगे? यूनियन बैंक के ग्राहकों के लिए मेरा यह संदेश है कि हमारा यूनियन बैंक है देश के अग्रणी बैंकों में है, हमें सेवा का अवसर दें। और भारत सरकार द्वारा जो एक एमलगमेशन की घोषणा हुई है उसके बाद हम एक ज़्यादा मजबूत स्थिति में हैं। आप इनसे जुड़ें, हमसे जुड़ें, अच्छा बैंक है और हम निश्चित रूप से आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
जी सर।